मैदा के बेसन क्या? बेसन ऑब्वियसली सॉरी बेसन। एक्चुअली क्या यार, मैं मैदा बेसन बेसन में ना बचपन से मैं कन्फ्यूज हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द हिमाचली रोवर्स। तो आज चंडीगढ़ में हमने चंडीगढ़ पंचकूला में ऑलमोस्ट पंजाब में हिमाचल में भी ना कल से कंटिन्यूस बारिश हो रखी है। मतलब हम घूमने भी गए थे कसौली का, हमने प्लान बनाया था एक्चुअली, जब बारिश में गए तो वहाँ पे बारिश थी, घूमने को कुछ मिला नहीं, तो मतलब वहाँ से टच करके वापस आ गए, ऐसा रहा हमारा। बट फर्क क्या, चलो जैसा भी था ट्रिप अच्छा था, बढ़िया था। तो आते ही तो हम क्या करें, नहाए धोए फ्रेश हुए, तो ठंड लग रही है तो बारिश पे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है सबको मालूम ही है ना, क्या होता है? पकौड़ा होगा। यस, तो हमने डिसाइड किया है कि हम पकौड़े बनाएंगे। किस किस के पकौड़े हैं? आलू गोभी और प्याज के। तो दिशा बताएगी कैसा रहा ट्रिप आज का? आज का ट्रिप तो अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा यार, पर वही है कि बारिश की वजह से खराब हो गया। मतलब डिसीजन ठीक था कोई ठीक नहीं था। तो मैं ये बोलूंगा कि बारिश में यार जाओ ही मत, पहाड़ों में स्पेशली जाओ ही मत, कोई फायदा नहीं, नहीं है, कीचड़ होता है, ठंड होती है, कीचड़ होता है, और सर्दियों में तो मैं कहता हूँ जाओ ही मत। ठीक है, चलो जैसे भी था, हो गया। लैंडस्लाइड हो रही थी, वो आपको वीडियो में आपने देख ही लिया होगा हमारी, तो कोई नहीं, हम अभी बना रहे हैं उसके, हम आपको प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे बनता है, आता ही है सबको, बट कोई नहीं, ये दिखा देते हैं, कुछ तो कुछ बनाना ही है वीडियो के लिए। चलो दिखाता हूँ आपको। हमारा मसाले ये हमने डाल दिया है इसमें, मैदा के बेसन क्या? बेसन सॉरी बेसन। एक्चुअली क्या यार, मैं मैदा बेसन बेसन में ना बचपन से मैं कंफ्यूज हूँ, पता नहीं व्हाइट होता है बेसन। चलो जो भी है, बेसन ना, बेसन आलू और जीरा नमक धनिया पाउडर एंड गरम मसाला सब डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करना है, और हमारा पेस्ट रेडी, और हमारा तेल यहाँ पे गरम हो रहा है। ये थोड़ा सा इसमें हमने चावल का आटा भी डाला, क्यों डाला ये चावल का आटा? ऐसे ही थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। ओके, थोड़ा क्रिस्पी होने के लिए हमने चावल का आटा डाला, और ये डाल रहा है इसमें हींग हल्का सा, थोड़ा फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। या और ये नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट, सर्दियों में बहुत जरूरी है, थोड़ा सा आमचूर, क्यों 30 ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए, फ्लेवर आए, बट खट्टा खट्टा ही लगेगा, थोड़ा सा हो जाता है। चलो देखते हैं, गाजर का हलवा भी तेरा बहुत अच्छा था। सो ये कुछ ज़्यादा मज़ेदार पकौड़े बनने जा रहे हैं, ये देखो शेजवान डल रही है इसमें, देख रहे हो ये हो रहे हैं मिक्स। थोड़ा और डाल इसमें बेसन, अभी डाल रहे हैं, दे रहे हैं। कब भी देख रहे हो आप। सो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, थोड़ा वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। वेट क्यों करना है? थोड़े रेस्ट कराएंगे इसे, रेस्ट कराएंगे इसको। चलो 10 मिनट के लिए, तब तक हमारा तेल ठंडा हो जाएगा, ठंडा थोड़ा गर्म हो जाएगा, है ना, पक जाएगा थोड़ा तेल, क्योंकि कड़वा तेल थोड़ा पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं, गर्म बने हुआ, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, ज़्यादा गर्म में डालोगे तो जल जाएंगे। अच्छा, चलो हम देखते हैं क्या बनता है, पकोड़े बनते हैं, पकोड़े की इसको महाराष्ट्र में बोलते हैं भज्जी, भज्जी भजिया, पकोड़े नहीं बोलते वहाँ, भजिया बोलते हैं, भजिया। तो पहले हम इसमें डाल के चेक करेंगे तेल अच्छे से पका है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया, जैसे ऊपर आ गया तैरने लग पड़ा, मतलब पक चुका है। यह तो पहला पकोड़ा जा रहा है अंदर, ठीक है, ये तो जब तक हमारे पकोड़े बनते हैं मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये गुड वाइन्स के ये फ्लेवर टी बैग्स मिलते हैं, ये इसमें मतलब ये सैंपल्स देते हैं कंपनी आपको, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको टी बैग्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के टी बैग्स मिलेंगे। मैंने आई थिंक 2 या 3 पिए थे, मतलब बहुत अमेजिंग टेस्ट था सबका, और सबका अलग अलग डिफरेंट और मज़ा आ रहा था पी के। अगर किसी को हो सके तो ट्राई करना है, ये सैंपल है, उसके बाद जो आपको पसंद आए आप उसे आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो आप, जो आपको मतलब बढ़िया लगेगा आपको फ्लेवर, ठीक है। तो आते हैं हमारे पकौड़ों में, हमारे पकोड़े हो गए हैं रेडी, देख ली क्या मस्त कलर आ रहा है इनका, एकदम ब्राउनिश से हो गए, प्यारे प्यारे छोटे छोटे, और ये हमारा
फर्स्ट बैच हो गया है कंप्लीट। चल टाल तो पकोड़े अभी टीस के रातों कैसे लगते हैं ये गरम है बट जो इसमें इसने सेजवान जो डाली है ना उसका जो फ्लेवर आ रहा है ना एक नंबर आ रहा है। आप भी ट्राई करो पकोड़े बना रहे हो ना उसमें थोड़ी सी सेजवान डाल देना। ये ले बहुत गरम है थोड़ा सा खा ना बता ना कैसा है मस्त हो रहे हैं हो गए हैं रेडी लाइट कर देते हैं तो ये अपने पकोड़े यस बारिश में पकोड़े मिल जाए तो अलग ही मजा है यार। योगी है बिजी थोड़ा कोई नहीं हम तो करते हैं पकोड़े एंजॉय। तो पकोड़े हो गए रेडी आपको दिखा दूं मैं पकोड़े ये हमारे मस्त लग रहे ना ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे प्यारे प्यारे तो ये है गोभी का पकोड़ा बारिश में तो पकोड़े खाने का अलग ही मज़ा आया सही सही में बहुत ज़्यादा मस्त बने आलू का काफ़ी क्रंची भी बने एक नंबर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस आएंगी और भी मस्त मस्त रेसिपी की वीडियो आएंगी घूमने की वीडियो आएंगी तो ऐसे ही हमारे वीडियोस हमारे चैनल में बने रहिए। उसके लिए क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन का भी जरूर दबा दीजिए। तब तक मिलते हैं टिल देन बाय।